आईपीएल का 19वां मैच आरसीबी और राजस्थान के बीच खेला गया। इस मैच में आरसीबी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। आरसीबी के लिए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में 14 ओवरों में 125 रन की साझेदारी हुई। विराट कोहली ने इस मैच में 72 गेंदों में 113 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 12 चौके शामिल है। इसके साथ ही फाफ डु प्लेसिस ने भी 33 गेंदों में 44 रन की पारी खेली और उनकी पारी में 2 छक्के और 2 छक्के शामिल है। इन दोनों की पारी के दम पर आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 183 रन का लक्ष्य बनाया और राजस्थान की टीम की ओर से चहल ने 4 ओवर में 2 विकेट झटके। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 184 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की टीम की ओर से इस मैच में भी जयसवाल और जोस बटलर ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन जयसवाल इस मैच में भी कुछ नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। लेकिन जोस बटलर ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। बटलर ने इस मैच में 58 बॉलों में 4 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 100 रन बनाए। इसके साथ ही संजू सैमसन ने भी 42 बॉलों में 69 की पारी खेली और राजस्थान की टीम ने यह लक्ष्य एक ओवर पहले ही हासिल कर लिया। राजस्थान की टीम ने यह मैच 6 विकेट से परिणाम कर लिया। इस मैच को जिताने में जोस बटलर की अहम भूमिका रही, जिसके लिए बटलर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर